नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। मैं आपके साथ अनुव्रत शर्मा। खबरों पर डालते हैं नज़र। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासुदा के जय स्तंभ चौक पर, और शहर भर में भगवान गणेश की पीओपी से बनी मूर्तियां खुलेआम बिक रही हैं। प्रशासन का इस ओर ध्यान न देना, साथ ही साथ जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का मौन रहना समझ से परे है। देश भर में पर्यावरण की दृष्टि से यह हर साल प्रचारित किया जाता है कि मिट्टी से बनी मूर्तियों का ही घर में प्रयोग करें, लेकिन नगर के लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके चलते पीओपी से बनी मूर्तियां खुलेआम धड़ल्ले से बाजारों में बिक रही हैं, जिससे बेतवा नदी प्रदूषित और गंदगी से सराबोर हो जाएगी। जब पीओपी से बनी यह मूर्तियां नदी में विसर्जित होंगी, नदी का जल प्रदूषित होना लाजमी है और वह जल इंसान के पीने लायक नहीं रहेगा। इंडिया खबर लाइव के लिए एलएन चौबे के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो ये है, भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं न्यायालय प्रांगण, तहसील प्रांगण के बाहर खुलेआम बिक रही हैं। पीओपी का विरोध हो रहा है, जबकि पूरे देश में भगवान गणेश की प्रतिमाएं मिट्टी की हों, ये चारों ओर ये आवाज़ उठ रही है। समाचार पत्रों द्वारा भी ये उल्लेख किया जा रहा है। इसके बाद भी दुर्भाग्य की बात है कि सारे अधिकारी वहाँ से निकल रहे हैं, मुख्य द्वार से, उनके सामने ये मूर्तियाँ बिक रही हैं। नगर पालिका हो या एसडीएम कार्यालय हो, तहसीलदार हो, न्यायालय न्याय विभाग हो, सब वहीं तो है और उन्हीं के सामने ये सब कुछ हो रहा है, जो बड़ा मतलब दुख की बात है। ये मैं ये मानता हूँ, और ये जो है नहीं होना था। बहुत पहले से प्रशासन को थोड़ा सा इसमें रुचि लेना थी। कल ही एक बड़ा कार्यक्रम किया है जिसमें मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई थी। उसके बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि परेड रोड पर, चौंदा रोड पर, शहर में स्टेशन पर और ठीक न्यायालय परिसर के सामने भी पीओपी की मूर्तियाँ न केवल बिक रही हैं, बल्कि गाँव-गाँव में ट्रैक्टर ट्रालियों में लाकर ले जाई जा रही हैं, जो कि गलत है। पीओपी की मूर्ति से जल प्रदूषण होता है, न केवल जली जीव संकट में आते हैं, बल्कि प्राणी मात्र के प्राण संकट में आते हैं, और प्रशासन का इस ओर ध्यान न देना निस्संदेह चिंता का विषय है। अभी जो शांति समिति की बैठक हुई थी उसमें प्रशासन द्वारा एस डी एम महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे संबंधित विभाग को, सी एम ओ को और पुलिस को, कि ये जहाँ भी इनका निर्माण हो रहा है वहाँ पे पता करके और इनको रोकने की कार्रवाई की जाए। तो अभी यदि तहसील परिसर के सामने है तो संबंधित विभागों को निर्देशित कर रहे हैं, उनको जाँच कवरेज करते हैं।